बिग बॉस जी, हमें जरा अभिषेक दिखा दीजिए। अरे ये नहीं, थोड़ा सस्ता दिखाइए, अब आएगा ना मजा। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मतलब मैंने जरा सांस क्या ले ली, ये एक नया सीजन ले आए, मतलब ओटीटी खत्म होते ही, पलक झपकते ही एक और नया सीजन। एक अभिषेक ओटीटी में थे जिन्होंने हम सबके दिल जीत लिए, और एक अभिषेक ये है जब से बिग बॉस में आया है हम सबके दिमाग का शेक कर रखा है इस इंसान ने। ये भाई साहब ने एंट्री करते ही सलमान भाई के सामने अपनी मुंह बोली एक्स के साथ लड़ाई कर ली। मैं भी नहीं चाहता कि मैं आपकी लाइफ में दोबारा। Exactly, then well and good. तो जब ये नेल्स मार रही है मेरे मुंह पे, तब मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं। उसका पूरा फोकस ही मुझे नेगेटिव दिखाना। ये दोनों लड़ाई तो ऐसे कर रहे हैं जैसे एक दूसरे के हाथ में अगर तलवार पकड़ा दी जाए तो एक दूसरे का गला ही काट दें। फिर क्या, ये एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के बाद कुछ ही मिनट बाद ये घर पर भी लड़ देते हैं। और ऐसी वैसी लड़ाई नहीं गाइस, बहुत तेज वाली लड़ाई होती है। मेरे को नहीं करनी है इस बारे में बात। जब बिग बॉस बोलेंगे तब मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अरे तो मैं जब वो बोलेंगे तब कमरा डिसाइड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। प्लीज बार बार मत बोलो। मैं ऐसा ही हूँ। क्या यार अभिषेक भाई, आपको इतना भी नहीं पता कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक रियल पर्सनालिटी दिखाते हैं, ना कि रट्टू तोता बनकर आते हैं। मतलब इतनी भी आपकी क्या मजबूरी थी? क्या आपको आपकी पर्सनालिटी पे ज़रा भी भरोसा नहीं जो आप किसी और को कॉपी कर कर आए हो? मैं इजहार कर ही जा रहा हूँ कि भाई मुझे तो बहुत पसंद है, तू मेरे साथ शादी कर ली और रिलेशनशिप में मत आ। तू अपना 10 साल ले, अपना करियर बना, सब कर, और उसके बाद मैं भाई उसके साथ शादी करने के लिए भी रेडी हूँ। मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद है। अरे भाई साहब, अभी तो तुम लड़ रहे थे, एक दूसरे की लाइफ में नहीं आना था, तुम्हें दुश्मन बने घूम रहे थे, अब तुमको वो पसंद है, उससे शादी करनी है। अरे यार, पहले डिसाइड कर लो कि नफरत करते हो या मोहब्बत। जी बिग बॉस, आपको चाहिए अभिषेक इस मकान में? हाँ बिग बॉस, मैं चाहती हूँ कि वो आए। ये लो, ये मैडम भी पलट गई। अरे चाहते क्या हो दोनों? वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। अच्छा, और बेड शेयर करना चाहती है? हर सीजन में बेड शेयर हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं। हाँ, बट वो तो तुम बोलते हो बॉयफ्रेंड में है, तो उसके बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम नहीं होगी? अरे हम खेलने हैं यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब अगर मेरा बॉयफ्रेंड बाहर होगा और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अंदर होगा, तो मैं किसी लड़की के साथ सो रही होंगी, तो मैं बिग बॉस को जाके बोलूंगी? नहीं नहीं, मैं तो गेम में हूँ, और बल्कि बिग बॉस से कुछ बोला भी नहीं। नहीं नहीं, मैं तो ना गेम में हूँ, तो मैं ना एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरा ना दोस्त था। भाई बंदी की बात में दम तो है, अब ये बेड शेयर भी कर रहे हैं। भाई ये तो सब स्क्रिप्टेड है, ये प्री प्लान कर कर आए हुए हैं बाहर से, और कुछ भी नहीं। सो गाइस, वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सच्ची में थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।